हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोग सभी ठीक होंगे और गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि जो मैंने मस्टर्ड केक वाली यानी सरसों के खल वाली जो मैंने खाद दी थी, उससे मेरे पौधों का रिजल्ट क्या रहा, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। तो ये मेरा जैस्मिन का प्लांट है और बहुत छोटी सी ट्रे में लगा हुआ है, और देख सकते हैं आप इस पर कि बहुत सारे फूल हैं इस पर। तो यही मेरे पौधों का रिज़ल्ट है। मैंने उसमें दे के दिखाया था आपको सारे ही प्लांट्स में, और किस तरीके से देना है ये पूरा आप पहले देख लें और पूरे स्टेप फॉलो करें। और ये ही है वो वीडियो जिसको कि मैं अपलोड कर चुकी हूँ 20-22 दिन पहले, और 20-22 दिन बाद इस पौधों का मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसा रिज़ल्ट रहा। और ये है मेरे गुड़हल का प्लांट, जो कि आप देख सकते हैं कितना हेल्दी है। तो मैंने सभी प्लांट्स में आपको दे के दिखाया था कि मैं किस किस प्लांट में दे रही हूँ, और देखिए इसका फूल कितना सुंदर आया है। तो और प्लांट भी एकदम हेल्दी हो चुका है ये। तो मैंने इन सभी में वो खाद दी थी सरसों की खल वाली, और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहा। बहुत सारी कलियाँ हैं सारे गुड़हल पे। इतना गर्मी होने के बावजूद भी प्लांट्स जो हैं वो मैं खुश करने की उन्हें कोशिश कर रही हूँ खाद पानी दे के। तो आप भी दें, लेकिन स्टेप ज़रूर फॉलो करें जो कि मैंने वीडियो बनाया है उसकी तरह, तभी वो रिज़ल्ट देगा। और ये भी मेरे गुड़हल के प्लांट हैं। तो कुछ गुड़हल के प्लांट मेरे ऐसे हैं जो किसी समय पे फूल ज़्यादा देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो किसी समय पे। तो ये वाले अभी कम देते हैं, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी कलियाँ बन गई हैं खाद देने के बाद, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय पर। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सारी कलियाँ हैं इस प्लांट पे, तो वो सभी ही धीरे धीरे खिलेंगी। जैसे जैसे मैच्योर होती जाएंगी वैसे ही वो खिलती जाएंगी। तो आप भी उस खाद को दें, और बहुत ही अच्छी खाद है वो, और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है, सस्ती होती है, और हम अपने प्लांट्स को आराम से दे सकते हैं। और ये भी मैं सारे गुड़हल के ही प्लांट दिखा रही हूँ जिसको कि मैंने खाद दी थी, और उनके बाद इस पर बहुत सारी कलियाँ आ चुकी हैं। तो जो भी रिज़ल्ट खाद देने के बाद का होता है वो कम से कम 15-20 दिन तक दिखाई देता है, क्योंकि प्लांट अच्छे से मैच्योर होगा या प्लांट में ग्रोथ आएगी या कलियाँ बनेंगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर कोई खाद नुकसान करनी होती है तो वो बहुत जल्दी कर जाती है, वो आपको रिज़ल्ट 1-2 दिन में ही देखने मिल जाएगा। तो ये है मेरे गुलाब का प्लांट। तो देखिए इस पर भी फूल आ रहे हैं क्योंकि मैंने इन सब में ही खाद दी थी। और ये देखिए कुछ जो हैं वो पुराने हो चुके हैं। तो ये है मेरी खाद का जो भी है रिज़ल्ट, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इतना आंधी और तूफान होने के बाद भी जो भी फूल खिल रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और देखिए ये है मेरे एक और गुड़हल का प्लांट जो कि मैंने बड़े वाले पॉट में से इसमें बोनसाई बनाने के लिए लगाया है। और देखिए इस पर भी कितने सारे, बहुत ही छोटी सी ट्रे में, और इस पर भी देखिए कितने सारे फूल आ रहे हैं। तो ये गर्मी से मुरझा गया था क्योंकि शायद छोटी सी ट्रे में है तो पानी की इसमें कमी हो गई होगी। तो जस्ट मैंने इसमें पानी डाला है और इसका वीडियो भी बनाया। तो देखिए कितने सारे प्लांट फूल हैं इसमें, लेकिन थोड़ा पौधा अभी मुरझाया दिख रहा है, तो वो थोड़ी बहुत देर में ठीक हो जाएगा। और बहुत सारी कलियां भी हैं। तो ये इसमें भी मैंने आपको खाद दे के दिखाया था कि मैंने सारे ही प्लांट्स में वो वाली खाद दी थी। और ये भी एक गुड़हल का प्लांट है अगेन जिसमें मैंने खाद दी थी, और देखिए इसमें भी कितनी कलियाँ आ रही हैं। तो धूप बहुत तेज़ है, शायद आप लोगों को दिखने में थोड़ी सी समस्या हो, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको सभी दिखा पाऊँ। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से कुछ अच्छे वीडियोस नहीं लेके आ पा रही थी। तो प्लीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं किस प्लांट के ऊपर मैं पूरी जानकारी दूँ। आप प्लीज़ अगर कोई ऐसा हो कि आपको पूछना है तो मैं ज़रूर, मुझे खुशी होगी अगर आप पूछेंगे और मैं बताऊं। तो आप अगर कोई ऐसा है तो आप बताइएगा। और ये है मेरी लिली का प्लांट जिसमें कि बहुत अच्छे फूल आए हैं। तो इसमें भी मैंने ये खाद दी थी, जबकि इसको मुझे गमले को चेंज कराना था, इस प्लांट को रिपॉट करना था, लेकिन मैं नहीं करा था मैंने, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे पत्ते आ रहे थे तो मैंने लालच के चक्कर में नहीं करा। लेकिन फिर इसमें फूल एक साथ ही बहुत सारे आ गए हैं खाद देने के बाद।
तो चलिए मैं अब खुश हूँ, अब मैं इसको पलट पाऊंगी। लेकिन जाड़ों में, अभी गर्मियों में आप भी अपने किसी गमले को ऐसे रीपॉट करने की मत सोचना। पौधे जो होते हैं वो स्ट्रेस में चले जाते हैं और कभी कभी वो मर भी जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो अभी ऐसी बिल्कुल भी गलती ना करें आप। तो मैं ये आपको सारे रिजल्ट दिखा रही हूँ जिससे कि आपको हेल्प हो सके और आप भी उस खाद को अपने पौधों में डालें और अपने गार्डन को हरा भरा बनाएं। तो ये है मेरा दूसरा लिली का प्लांट, जिसमें उसमें भी बहुत सारे फूल आए हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली ये लिली का प्लांट। इसकी जो लीव्स हैं वो बहुत सुंदर होती हैं। तो देखिए इसमें भी कितने सारे फूल आए हुए हैं, जबकि पत्ते गर्मी होने की वजह से इधर में धूप नहीं आती है, उसके बाद भी झुलस रहे हैं। तो इतने सारे प्लांट्स को मैं कैसे अंदर रखूं, मुझे नहीं समझ में आता। ये देखिए पत्ते, लीव्स बहुत जल रहे हैं, बहुत दुख होता है मुझे, लेकिन क्या कर सकती हूँ। अगर मैं ग्रीन नेट भी बांधूँगी तो आप देख सकते हैं इतना तूफान आता है तो छत पे ग्रीन नेट रुकेगी नहीं, वो उड़ ही जाएगी। और ये मैं आपको फूल सारे दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे फूल आए हुए हैं मेरे लिली प्लांट पे, क्योंकि मैंने इन सब में ही वो खाद दी थी। तो रिज़ल्ट अच्छा है, आप लोग बिल्कुल दे सकते हैं। और मैं अपने सारे ही सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये है मेरी जो गोल्डन लिली, जिसमें देखिए आप, इसमें भी काफ़ी सारे फूल आए हुए हैं। तो देखिए पत्ते इसके झुलस गए थे तो मैंने उठा के इसको शिफ्ट कर लिया इधर बरामदे में। तो मैं कितने पौधों को रख सकती हूँ मुझे नहीं समझ में आता है, इतना छोटा सा जो बरामदा है तो मैं किस किस पौधे को अंदर रखूँ, किसको बाहर, सबको ही गर्मी लग रही है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।